मंडी में तरबूज किसानों की फसल को लेने से मना किया गया था, जिसके बाद किसान मंडी के बाहर सैकड़ों की संख्या में खड़े रह गए थे। हमारे द्वारा इस खबर को प्रसारित किया गया, जिसके बाद मऊरानीपुर एसडीएम ने तरबूज किसानों के लिए दूसरे स्थान पर खरीद बिक्री की व्यवस्था की है। आपको बता दें कि मऊरानीपुर मंडी में तरबूज बेचने वाले सैकड़ों किसानों की भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के किसान भी भारी संख्या में आ गए थे। इतनी भीड़ होने के बाद मंडी प्रशासन भी व्यवस्थाएं करने में सक्षम नहीं था। साथ ही सैकड़ों किसान एकजुट होकर सोशल डिस्टेंस का भी उल्लंघन कर रहे थे, जिसको देखते हुए तरबूज किसानों को मंडी गेट के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस घटना से किसानों में गुस्सा देखने को मिला था, जिस खबर को हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया। खबर प्रकाश में आने के बाद प्रशासन द्वारा तरबूज किसानों के लिए क्षेत्र से दूर पड़ाव के पास तरबूज खरीद और विक्रय करने की व्यवस्था कर दी गई, जिसके बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। ये तरबूज किसान जो हमारी यहाँ पे तहसील के जितने भी हमारे किसान थे उनके लिए इसमें व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन बीच में कुछ हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश के उसमें किसान आ गए थे, जिसमें किसानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो अव्यवस्था फैलने लग गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का उसमें पालन नहीं हो रहा था। इस वजह से जो है उनका प्रवेश वहाँ पे मंडी में क्लोज कराया था। अभी इनकी जो है दूसरी व्यवस्था, हमने यहाँ से कस्बे से बाहर पड़ाव की हमारी ज़मीन है वहाँ पे इनकी व्यवस्था करवा दी गई है, और वहाँ पे जितने भी ये किसान हैं वहाँ पे अपनी जो तरबूज की इनकी जो खेती है उसका वहाँ पे अपना कार्य कर सकते हैं। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। विथ मोरल वैल्यूज, द ओनली इंस्टीट्यूशन विथ ऑल लेटेस्ट फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, एक्सपीरियंस टीचर्स, एयर कंडीशन हॉस्टल विथ ऑल फैसिलिटीज, द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द एरिया, The Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.